तक में खड़ा करेंगे आप? ऊपर से नीचे तक सबका पता है, किसी को नहीं छोड़ा। हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है। इसको जिस आदमी ने चांद पर दाग लगाने का प्रयास किया, आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठे। अधीश महोदय को हृदय से आभार। मैं जानता हूँ न मेरा कुछ गलत था, इतना हर्ट हुए हैं। मैं अपनी लाइफ में आज तक 57 ईयर मेरी उम्र, इतना हर्ट हम कभी नहीं, इतना मेंटल टॉर्चर हम कभी नहीं। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह FIR, थाना प्रभारी का उनका कॉल डिटेल और उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाए, वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस से मिला है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस FIR के खिलाफ। पहले 385, बाद में साजिश के तहत ऊपर के पदाधिकारी के दबाव पर CGM कोर्ट में 387। किस आधार पर 387 का मतलब है? डायरेक्ट मिले, हमें धमकी दी, हम मौखिक कुछ एक्सटॉर्शन किए, किस आधार पर 387? सवाल ही नहीं उठता। कौन है इसके पीछे, किसको डर है? जितनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले। हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठे। अभी कोर्ट आए थे, यहाँ पर CGM फर्स्ट के पास थे, बेल हो गई है, क्या कुछ अंदर बात हुई है? कुछ नहीं, वो तो लॉयर से पूछिएगा। मेरा ना कोई मोबाइल, ना कुछ, ना कोई लेना ना देना, 3 साल के बाद, इतने दिनों के बाद, ना कोई मतलब। आपने कल इंटरव्यू में बताया था कि आप मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। सब कुछ होगा इस पर। इसको इसको जिस आदमी ने चांद पर दाग लगाने का प्रयास किया, जिस आदमी ने भगवान की सौगंध, मैं मंदिर में जाने को तैयार हूँ, आज तक मैंने इस आदमी को मिला नहीं, जाना नहीं, उसके बावजूद इतना पेन। किन किन को कर्नाटक में खड़ा करेंगे आप? सब ऊपर से नीचे तक सबका पता है, किसी को नहीं छोड़ा। कौन है इसके पीछे, किसको डर है? जितनी ताकत है एडमिनिस्ट्रेटर लगा ले। हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और इन लोगों की मनमानी को खत्म करेंगे। लड़ाई आर पार है, आर पार। आम आदमी की आजादी जब तक नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।